गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 में बायो सब्जेक्ट के तहत तीसरा लेसन आपको पढ़ाने जा रहे हैं, मानव जनन। इंग्लिश में इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, हिंदी में मानव जनन। तो स्टूडेंट्स, हम आप सभी जो है आइए इस लेसन को जरा ध्यान से पढ़ें। पढ़ते वक्त ध्यान आपका इधर से बनने जाना चाहिए, ध्यान देकर के जो है ब्लैक बोर्ड पर चीज़ों को समझें और फिगर को भी ध्यान से देखें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मानव जन्म, मानव जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मानव की उत्पत्ति लगभग आज से 2 लाख वर्ष पहले हुई, और इसके पूर्वज जो थे बंदर, मानव के पूर्वज जो थे, मानव के पूर्वज कौन कौन थे? बंदर और कपी। बंदर और कपी, कपी के मतलब होता है बदमानुष, जैसे गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, ये सारे क्या है? बदमानुष। तो बंदर और चिंपैंजियों के द्वारा ही मानव की उत्पत्ति हुई। मानव सारे प्राणियों में विशिष्ट प्राणी माना जाता है, क्योंकि इस प्राणी की कपाल क्षमता सबसे अधिक होती है। कपाल क्षमता का मतलब ब्रेन मस्तिष्क पावर है, सबसे अधिक होती है। इसलिए इस समय वर्तमान में देखा जाए तो आज के मॉडर्न मानव, आधुनिक मानव की जो उसको होमो सैपियंस कहते हैं, उसकी कपाल क्षमता लगभग 1680 से लेके 1725 सीसी, सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, इतनी मात्रा में इसकी कपाल क्षमता है। इसीलिए इस प्राणी की सोचने विचारने की क्षमता सबसे अधिक है ना। तो आइए आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं, मानव जनन। जैसा कि आप जानते हैं विशेष प्राणी है मानव, तो इसके अंदर भी कुछ ऐसे सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे जिसके तहत ये अपने जन्म की क्षमता को पूर्ण करता है और अपने जैसे संतति यानी संतानों को उत्पन्न करता है। तो इसके तहत आइए मानव जन्म जो है, इसमें मानव कैसा प्राणी है? यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल प्राणी। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ? एक लिंगी प्राणी। एक लिंगी में क्या होते हैं? मेल और फीमेल, ये दो ऐसे मेल और फीमेल, ये दो ऐसे मेल मेल दो जातियां होती मानव। हर एक प्राणियों में आपने देखा होगा मेल फीमेल होते हैं, तो कुछ में बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यूनिसेक्सुअल जीव है। इसलिए इसमें मेल और फीमेल दोनों ही आपको अलग अलग मिलेंगे। तो मेल फीमेल के तहत जो है इस जन्म को जानते हैं। तो मेल फीमेल में बनता क्या है? युग्मक बनते हैं, युग्मक निर्माण की क्रिया इनमें होती है, यहाँ भी बनते हैं और यहाँ। तो इस युग्मक के द्वारा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, शरीर के अंदर जो है जन्म होता है, जिसके माध्यम से यह क्रिया संपन्न होती है, जिसको हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी अपने जैसे जात के संतानों की उत्पत्ति करने की क्षमता जन्म कहलाती है। और इस जन्म में मेल युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, ज्यादा सहयोगी होते हैं, जिसके द्वारा बनते क्या युग्मक के द्वारा मेल युग्मक क्या बनता है? मादा के शरीर के अंदर है ना। अब इसके बारे में आप जानते हैं तो ध्यान दीजिए जरा, आइए। तो मेल फीमेल की हमने बात की, मेल उसके तहत इस प्रजाति यूनिसेक्सुअल के तहत जो है इनके दो पार्ट कर दिए गए जाति के आधार पर। पहला आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होता है? वन पेयर का मतलब क्या है? एक जोड़ी। एक जोड़ी क्या होते हैं? टेस्टिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृषण। एक जोड़ी वृषण या टेस्टिस पाए जाते हैं, जो कहाँ होते हैं? शरीर के बाहर। शरीर के बाहर ये होते हैं एक जोड़ी में टेस्टिस, और कहा जाए इस टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के हमारे समान बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, तभी जाके इसके द्वारा क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। पहले क्या बनता है? सीमेंस बनता है, और उसी सीमेंस के अंदर तमाम शुक्राणु पाए जाते हैं।
वीर, वीर के द्वारा वीर में क्या होता है, शुक्राणु पाया। ये क्या है, वन पेयर टेस्टिस। दूसरे क्या है इसके, दूसरे पाए जाते हैं शुक्राशय। शुक्राशय को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। इंग्लिश में इसको वास डिफरेंस, डिफरेंस सिया, वास डिफरेंस सिया बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, शुक्र नलिका होती है। तीसरा पॉइंट आपकी शुक्र नलिका। चौथा आइए, चौथे में बोलते हैं इसको प्रोस्टेट ग्रंथ, प्रोस्टेट पेट ग्लैंड, ग्लैंड। और पांचवा जो इसका होता है उसको बोलते हैं सिस्म, सिस्म या पेनिस या लिंग भी कह सकते हैं आप। तो ये सारे ऐसे पार्ट हैं जिसके द्वारा क्या होता है, वीर का वीर बनता है। और वीर के बाद उसी वीर में क्या होते हैं, लाखों की करोड़ों की संख्या में लगभग शुक्राणु पाए। आप बच्चों ध्यान दीजिए, 2 से 3 ml यदि वीर है, वीर के अंदर लगभग कितने शुक्राणु होंगे, 2 से 3 ml वीर में लगभग 2 से 3 million मान लीजिए, मिलियन जो होते क्या होंगे, शुक्राणु होंगे। 2 से 2.5 या 2 से 3 क्या कहते हैं ml मिलीलीटर में वीर अगर हो तो उसमें लगभग 2 से 3 million और 4 भी कह सकते हैं, 2 से लगभग 4 million जो होते हैं शुक्राणु में क्या यानी तो उसके अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं। अब तो कहने का मतलब इस वीर के निर्माण में ये हमारे जो हेल्पिंग ऑर्गन जो होते हैं वो सहायक होते हैं, जो काम क्या करते हैं, वीर का निर्माण करते हैं। और ये वीर कब बनता है, जब बच्चा हमारा 12 से 13 वर्ष की उम्र में आ जाता है। इतने वर्ष का हो जाए किशोरावस्था कहते हैं, किशोरावस्था में ये कंडीशन बन जाती है जब उसके अंदर ये चीज बननी शुरू हो जाती है। कैसे बनती है, इसके लिए भी जैसे हार्मोनियल पदार्थ बॉडी में बनते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के द्वारा ये सारे जो अंग हैं परिपक्व हो जाते हैं, और परिपक्व होने के बाद ये चीज बननी शुरू हो जाती है जिसको सीमेन या वीर कहते हैं, उसी के द्वारा शुक्राणु होते हैं। तो हमें आपको बताया 2 से 3 million स्पीशीज के अंदर लगभग 2 से 4 million चार मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं, है ना। अब देखिए किसी एक शुक्राणु के साथ आप देखिए तो मेन इसका पार्ट क्या हो गया, यही पार्ट होता है शुक्राशय का जो एसएससी आर्गन है, ये भी शुक्र एसएससी आर्गन है, और ये जो है प्रोस्टेट गंभीर एसएससी आर्गन है, और इसको आप देख ही रहे हैं तो ये के बाहर ही होता है। बाकी ये सारे अंग जो होते हैं बॉडी के अंदर होते हैं, ये बाहर है और ये भी शरीर के बाहर है। अब आइए किसी एक शुक्राणु के स्थान पर देखते, देखिए इस प्रकार से शुक्राणु आते हैं। और ये क्या हो गई, ये इसकी पूंछ हो गई। ये इस पार्ट को जो बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्रोसोम, इंग्लिश में हिंदी में जाओ एक्रोसोम। यहाँ पर ये इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया या कुछ सारे सारे होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के सेंट्रोमियर्स होते हैं, इसको माइक्रो इसको मेगा का नाम देते हैं। ये क्या है, आपकी ग्रीवा है, यहाँ पर कुछ ऐसे आर्गन भी होते हैं, और ये आपकी क्या है, टेल है, टी है, टेल पूंछ। पूंछ इसमें क्यों बनाएंगे, इसको पहले जान लीजिए। पूंछ का काम इसमें यह है, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको करना है हमें गतिशील करना है। तो गतिशीलता के लिए, मूवमेंट्स के लिए इसके अंदर क्या हो रहा है, ये टेल बनाई गई है, ये आसानी से मूवमेंट कर लेता है। और ये आपका बॉडी देख रहा है, ये जो पॉइंट इसमें कीला जैसा बनाया गया है इस
के फॉलिकल को क्या भेदने का काम करता है, इसलिए इसको नुकीला तालवा बनाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं इस टाइटोसोम में हैनी हेड है, इसको हेड भी आप कह सकते हैं, हैनी हेड सिर होता है, ये आपका ग्रीवा हो गया, टेल हो गया। और यहाँ पर बीच बीच में क्या है, कुछ कलेक्टिव टिश्यू होते हैं जो इसको आपस में जोड़े जाते हैं ग्रीवा में। तो बाकी इसके बाद इसके अंदर कुछ ऐसे एसेंशियल सेल ऑर्गन्स होते हैं जो इसको डेवलप बनाते रहते हैं। तो ये ओनली एक जो है सुकाउंड बेचना है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि ये एक्ट्रोसोम जो बना हुआ है, सबसे बेस्ट इसका जो होम पॉइंट है एक्ट्रोसोम, ये किस किस सेल के द्वारा बनता है, ये गोल्जी का है। सेल के अंदर घटना होती है इसको गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय कहते हैं। तो गोल्जी काय के द्वारा इस एक्ट्रोसोम का निर्माण होता है जो इसको जो है नुकीला और ताजा बनाता है एंड के फॉलिकल को भेदने के। तो ये आपका एक्ट्रोसोम। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम बनता है इसको सिस्टम को क्या बोलते हैं, शुक्र जनन, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं शुक्र जनन, या इंग्लिश में कह देते हैं स्पर्मेटो स्पर्मेटो जेनेसिस कहा जाता है। शुक्र जनन या शुक्र जन भी कह सकते हैं, तो किताबों में शुक्र जनन है शुक्र जन भी है। तो शुक्र जन के तहत जो है क्या होता है, ये स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होता है और एक शुक्राणु के स्नाम के सामने देखिए बनी हुई है। तो ये सारा सिस्टम जो होता है शुक्र जन कहलाता है। अब आगे ये बातें हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव